धार जिले के जीरापुरा पंचायत के कागदीपुरा के शासकीय स्कूल में आज इंदौर संभाग के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी और धार जिले के कलेक्टर श्रीकांत बनोट और जिला पंचायत सीईओ संतोष वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। संभाग कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने बच्चों से चर्चा की, जिसमें बच्चों ने संपूर्ण सवालों का जवाब दिया। इन छोटे छोटे बच्चों के इस प्रकार का जनरल नॉलेज और टैलेंट देखकर सभी अधिकारी खुश हो गए। जबकि कागदीपुरा स्कूल पूरे जिले की श्रेष्ठ स्कूल है, जिसमें अधिकतर बड़े बड़े अधिकारियों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जबकि यहाँ के शिक्षक सुभाष यादव को दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस स्कूल को जिला पंचायत सीईओ संतोष वर्मा ने गोद ले रखा है। इस दौरान मौके पर सचिव अंतर सिंह परमार और सहायक सचिव मोतीलाल कटारे और आसपास के क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों की अधिकारियों को देखकर भीड़ लग गई। धर्मपुरी से कैलाश मावी की रिपोर्ट। उसके बाद में हमने एक की और आई और आई की बड़ी की छोटी की बाद में हम बताएंगे। जैसे बच्चा है तो उसको भी छोड़ पांच पार्टों को फोकस करने के इंटरव्यू और हम ये करते हैं और अपना खिलौने का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमने ये किया तो इसके द्वारा ही हम कुछ हो सकते हैं। हाँ बेटा चलो हाथी की कौन खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, है ना। हाँ मैं करूँगा, उसके बाद हम करोगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। अब ये बताओ वो सूंड क्या होती है उसकी, कौन बताएगा। हाँ उसकी नाक होती है, वो सूंड में पानी भरता है। जब आप नहाते हो, आप नहा के आए है ना, तो पानी से वो केले खाता हो, कितने केले खाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता। तुमने केले खाए? अच्छा कौन लाया केले, कौन लाता आपके यहाँ केले। चलो मेरे पास में चार केले हैं, कितने केले हैं ये, चार केले। तो मैं एक केला तो रोहन को दे दूंगा, तो मेरे पास कितने केले बचेंगे। अच्छा दो केले इसके पास में और एक केला इसके पास में, ये दोनों को जोड़ देंगे अपन तो कितने हो जाएंगे केले। इसके पास चार केले हैं और इससे दो केले मैंने ले लिए, अब इसके पास कितने केले बचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।